So, दोस्तों ये रही कुछ अपनी अटैचमेंट जो आज मैंने परचेज करी है। तो कुछ ऐसा ये बॉक्स आता है और बॉक्स के अंदर कुछ पेपर्स आते हैं। स्पेयर बैटरी हम बाद में परचेज करते हैं, जो इसका कवर होता है ब्लू कलर का होता है, जो साथ में बैटरी आती है होती ब्लैक कलर की। ये बहुत जरूरी हो जाता है जब आप माइक अडैप्टर परचेज करते हैं ब्लॉगिंग के लिए। है ऑनलाइन से भी मुझे ये 400 रुपए सस्ता पड़ा। दोस्तों कैसे आप सभी, मैं कुणाल और आप देख रहे हैं आपका अपना NF Explorers। दोस्तों मैं आपके लिए एक और नई वीडियो जो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। अगर आप व्लॉगिंग स्टार्ट करने वाले हैं या फिर आपके पास कोई पुराना GoPro और उसका कोई सामान नहीं मिल रहा है तो वो आपको कहाँ मिलेगा, वो आपको इस वाली वीडियो में पता लगने वाला है। और अगर आप कुछ GoPro के लिए अटैचमेंट परचेस करने वाले हैं तो किस प्राइस पॉइंट में मिलेगी और कहाँ पर सस्ती मिलेगी, वो सारी चीज़ें भी मैं आपको इस वाली वीडियो में बताऊंगा। और आज मैंने कुछ चीज़ें परचेज करी हैं जो अपने GoPro के लिए। मेरे पास है GoPro Hero 7 जिसकी कुछ अटैचमेंट मैंने परचेज नहीं करी थी स्टार्टिंग में, और इस बात को 1 साल हो गया। 1 साल पहले मैंने GoPro परचेज करा था अपना, और आज मैं उसकी काफ़ी सारी अटैचमेंट लेकर आऊँ। और एक तरीके से देखा जाए तो मोटा खर्चा भी हो गया है, लेकिन मोटा इतना मोटा नहीं है। मैंने तकरीबन 1000 से 1500 रुपये इस जो सामान को परचेज करा उसमें बचा है। अगर आपके पास GoPro Hero 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, या फिर मे बी 9 के अंदर भी वो माइक अडेप्टर लग जाता है। मैंने माइक अडेप्टर भी परचेज करा है। मतलब जो भी चीज़ें ब्लॉगिंग के काम में आती हैं और जो बेसिकली यूज़ होती हैं GoPro के साथ, वही सारी चीज़ें मैंने परचेज करी हैं। और भी मैं काफ़ी सारी चीज़ें आपको इस वाली वीडियो में दिखाऊंगा अगर आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि हम काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें परचेज कर लेते हैं जो ब्लॉगिंग के काम ही नहीं आती हैं और उसमें हमारे पैसे वेस्ट चले जाते हैं। मैंने भी ऐसी चीज़ें परचेज करी हैं और उनमें से एक है गिम्बल, मेरे बिल्कुल भी काम नहीं आता है, मैं उसको यूज़ ही नहीं करता हूँ। खामा खाई उसमें मेरे 5-6 हज़ार रुपये चलेगा और वो अभी तक घर पर ऐसी धूल खा रहा है। इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको बेसिक एसेसरीज दिखाऊंगा जो ब्लॉगिंग के लिए काम आती हैं, और जो GoPro के लिए मैं सामान परचेज करके लाऊं वो भी दिखाऊंगा और उसको अनबॉक्स भी करेंगे। अगर आप GoPro का सामान परचेज करने वाले हैं, फिर ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट करने वाले हैं और आपको किसी हेल्प की जरूरत थी तो आपकी वीडियो काफी ज्यादा काम आने वाली है। इस पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर से कर देना, क्योंकि मैं इस तरीके से रिलेटेड काफी सारी अनबॉक्सिंग की वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूँ। सो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते, चीजों करते हैं अनबॉक्स और वीडियो करते हैं शुरू। अभी मजा आएगा ना वीडियो। सो दोस्तों ये रही कुछ अपनी अटैचमेंट जो आज मैंने परचेज करी है और जिनकी कॉस्ट जो भी पड़ी है वो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। लेकिन हाँ ये जरूर है कि लोकल मार्केट में अगर आप इनको परचेज कर रहे हैं, फिर ऑनलाइन भी परचेज कर रहे हैं, तो उससे ये मुझे 1000-1500 रुपये सस्ती पड़ी और वो चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। पहले तो अनबॉक्स कर लेते हैं। तो ये अपनी यहाँ पे बैटरी, अब आप सोचोगे यार मैंने बैटरी की परचेज करी है, तो मेरे GoPro के साथ ये वाली बैटरी आई थी। ये बैकअप नहीं दे रही है, ये लास्ट टाइम मेरी बैटरी हो गई थी खराब, और 5-10 मिनट कैमरा इससे चलता है और फिर हो जाता है बंद। फिर अगर मैं चार्जर को डायरेक्ट लगा के अगर कैमरा ऑन करता हूँ, रिकॉर्डिंग करता हूँ तो चलता है, नहीं तो फिर अगर रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ इसको लगाने के बाद तो रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा था। तो फिर मैंने भैया से पूछा तो उन्होंने कहा बैटरी ख़राब हो गई है। तो ये बैटरी पहली बात तो मुझे बहुत मुश्किल से मिली है, ऑनलाइन मिल रही थी और ऑनलाइन का जो प्राइस था वो था वही जो MRP 1800 रुपये। मुझे ये जो पड़ी है, ये पड़ी है भाई, वो बाद में बताऊँगा। पहले आप बैटरी देखो, ये कॉम्फर्टेबल किसके साथ है, हीरो 8 के साथ, 7 के साथ, 6 के साथ, 5 के साथ, और हीरो जो 2018 में आ रहा था तो ये उसकी बैटरी है, सेम यही बैटरी है। तो फिर भी इसको अनबॉक्स करके देख ही लेते हैं, क्योंकि मैंने भी इसको देखा नहीं और अभी सारे ही प्रोडक्ट मेरे सील पैक हैं जिनको मैंने परचेज करा था। सो ये खुल गया है यहाँ पे, अपनी GoPro की बैटरी और अपना GoPro Hero 7 है ये वाला। ये तो आपने देखा ही है, काफ़ी बार देखा होगा वीडियोस में, रिफ्लेक्शन में दिखता ही है। तो सो कुछ ऐसा ये बॉक्स आता है और बॉक्स के अंदर कुछ पेपर्स आते हैं। बाकी ये इतनी सी बैटरी है, इतना बड़ा ये बॉक्स था। सो ये बैटरी निकली और ये मेरी पहले की बैटरी थी। और इसकी पहचान क्या है, जो स्पेयर बैटरी हम बाद में परचेज करते हैं तो उसका जो ये ढक्कन होता है, मतलब जो इसका कवर होता है वो ब्लू कलर का होता है, और जो साथ में बैटरी आती है होती ब्लैक कलर की पूरी इस तरीके की। सो अब इसको यूज़ करके देखेंगे कि कैसा बैकअप रहता है। 30 से 40 मिनट अपना GoPro चलता है, सो शायद उससे भी उतना ही चलेगा। और ये जो बैटरी है ये है 1200 कुछ mAh की होती है, मैं यहाँ पे लिख रहा है, बताता हूँ आपको देख के। देखो 1220 mAh की बैटरी है। सो बैकअप बिल्कुल सेम रहने वाला है। ये बैटरी थोड़ी फूल भी गई थी तो बैटरी तो हमने ले ली। ये पड़ी है, चलो प्राइस बताता हूँ, ये मुझे 1600 रुपये की पड़ी है, ऑनलाइन 1800 की आ रही थी और काफ़ी सारी दुकानों पे तो मुझे मिल ही नहीं रही थी, और काफ़ी दुकानों पे ये कॉम्बो के साथ मिल रही थी, मतलब ड्यूअल बैटरी चार्जर के साथ एक बैटरी और चार्जर, जिसमें हम इन दोनों बैटरियों को साथ में लगा के चार्ज कर सकते हैं। तो मेरी तो ये ख़राब थी तो मेरे लिए वो यूज़लेस था, और मेरा काम एक बैटरी से चल जाता है, सो इसलिए मैंने सिर्फ इसी को परचेज करा और बड़ी मुश्किलों से मिली है, और फिर भी 1600 की मिल गई, ये बहुत बड़ी बात है। सो अब इसको रखते हैं साइड में और मैं आपको दिखाता हूँ अपनी दूसरी अटैचमेंट जो सबसे ज़्यादा कॉस्टली होती है GoPro के लिए, और वो है ये GoPro का माइक अडेप्टर। ये हीरो
8 के साथ चलता है, 7 के साथ चलता है, 6 के साथ और 5 के साथ, और यहाँ पे लिखा भी कॉम्फर्टेबल 10, मतलब इसके साथ भी ये चल जाएगा। बाकी इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरीके की आती है, और अगर इसकी MRP की बात करें तो ये 4500 रुपए की MRP है इसकी, लेकिन मुझे कितने का पड़ा है वो इसके बाद में बताऊंगा, पहले इसको खोल के देख लेते हैं। अब इसको फाइनली बाहर निकालते हैं। ऐसा आता है GoPro का माइक अडेप्टर। अगर इसकी वायर की क्वालिटी की बात करें तो काफी अच्छी, काफी मोटी है, और अगर इस वाली साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको टाइप सी का स्लॉट मिलता है और माइक का स्लॉट मिलता है, मतलब कि आप इसको चार्ज करते करते भी यूज़ कर सकते हैं अपने GoPro को, तो ये काफ़ी सही चीज़ हो जाती है। बाकी यहाँ पे टाइप सी का स्लॉट मिलता है जो GoPro में लगेगा, मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। ये अपना GoPro हीरो 7 यहाँ पे लिखा है, देखो ब्लैक 7 यहाँ पे। इसको खोलना है और ये निकलेगा अब यहाँ से, और यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से लग जाएगा। और फिर ये जो मैंने ये केस परचेज करा है अनजी का, उसमें ये लगेगा। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है जब आप माइक अडेप्टर परचेज करते हैं व्लॉगिंग के लिए, और अभी इसको भी लगाएंगे, सेटअप करेंगे पूरे को। ये मैंने लिया है, जितने रुपए का है भाई उतने का तो नहीं लग रहा, ओवर प्राइस लगता है मुझे तो, बट फिर भी यार अब क्या करें, GoPro के अंदर कुछ भी और चीज़ लगती नहीं है, तो मुझे ये मजबूरी में परचेज करना पड़ा इतना महंगा। अब इसकी प्राइस की बात करते हैं, MRP इसकी 4500 रुपये की है, ऑनलाइन ये 4100 का आ रहा था, मतलब 4100 रुपये का, और ये मुझे पड़ा है 3700 का, मतलब 3700 रुपये का। ठीक है, ऑनलाइन से भी मुझे ये 400 रुपये सस्ता पड़ा है, इतने भी ऑफर लगा लो तब भी 400 रुपये लेस नहीं होते किसी भी चीज़ में। ये मैंने परचेज कहाँ से करें वो भी मैं आपको बताऊँगा। अब बात करते हैं इसकी। अब इसको बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि बाहर जो लिखा हुआ है उसको तो मैं क्या ही पढ़ूँ। इसके अंदर यहाँ पे एक ये वाला कार्ड मिला है, ये कुछ स्टिकर मिले हैं ओलानजी के, इनको तो मैं कुछ भी यूज़ में नहीं लेने वाला, इनको रखते हैं अंदर और बात करते हैं अपने इस वाले केस की। केस कुछ आपको इस तरीके का मिलने वाला है, यहाँ पे ब्रांडिंग हो रखी है ओलानजी की, और यहाँ पे अपना कैमरा जो रखना है वो पीछे की साइड से रखा जाए, और जब आप इसके अंदर इस कैमरे को यूज़ करेंगे तो ये निकल जाता है, और काफ़ी ईजी होता है इसको निकालना इस तरीके से, ये निकल जाएगा और फिर आपको इसको इसके अंदर रखना है। फिर पीछे जो ये शटर वाला ढक्कन है इसको बंद करना है, और आपका GoPro इसके अंदर हो जाएगा फिक्स बिल्कुल कुछ इस तरीके का। और फिर यहाँ पे जो नीचे आपको स्पेस मिलता है इसके अंदर ये माइक अडेप्टर आ जाएगा, और ये इसके अंदर करना आपको फिक्स। अब ये कहीं भी नहीं जाने वाला, और इसको यहाँ पे लगाना है कुछ इस तरीके से। अब ये हो गया यहाँ पे फाइनल। अब मैं इसको वैसे भी यहाँ से बाहर नहीं निकालने वाला, और ये कुछ आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। अगर आप इसके ऊपर माइक लगाना चाहते हैं तो माइक यहाँ पे लग जाएगा, माइक मेरे पास नहीं है व्लॉगिंग वाला। और जो माइक मैंने परचेज करा वो है ये डिजिटेक का। बहुत सारे माइक मिल रहे थे लेकिन उनकी मुझे नीड नहीं थी, क्योंकि मेरे पास पहले से ये बोया का माइक है, ये 6 mm वाली वायर का है, ये 3 mm वाली वायर का है। इसकी अगर कॉस्टिंग की बात करें तो ये माइक मुझे 400 रुपये का मिल गया, बाकी इसकी कॉस्टिंग तो मैंने आपको बता दी। इसकी कॉस्टिंग की बात करते हैं, ओलानजी का जो ये केस है ये मुझे 900 रुपये का मिला है, ऑनलाइन ये 1100 का भी आ रहा था और 1000 रुपये का भी मिल रहा था, लेकिन 900 रुपये का मुझे फाइनली ये मिल गया। अगर आप मोटो व्लॉगिंग करने वाले हैं तो आप ये भी परचेज कर सकते हैं, हेलमेट में अगर आप कुछ भी जो अटैचमेंट है वो नहीं चुपकाना चाहते तो आप इसको ले सकते हैं। ये 400 का भी आता है, 600 का भी आता है, 300 का भी आता है, मतलब ऑफर चलते रहते हैं, तो ये भी आप परचेज कर सकते हैं, मैंने परचेज करा हुआ है। और ये वाली जो केसिंग है ये कैमरे के साथ में ही आई थी, बाकी यहाँ पे ये स्प्लिटर, अगर आपके पास आईफोन है तो ये स्प्लिटर आपको लेना ही पड़ेगा, कोई दूसरा इसका सब्स्टिट्यूट नहीं है कि आप उसको यूज़ कर पाएँ, तो ये लेना पड़ेगा आईफोन के लिए, तभी आप इसमें माइक यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3.5 mm का जैक लगाने की जगह है, तब ये यूज़ में आएगा। और अगर इसकी भी कॉस्टिंग की बात करें तो ये 950 रुपये का है, क्योंकि एप्पल का, और एप्पल की तारें बड़ी महंगी आती है भाई। दोस्तों यही थे कुछ प्रोडक्ट जो मैंने आज परचेज करे और अभी आपके सामने अनबॉक्स भी करे और अपनी कुछ चीज़ें भी आपको दिखाई जो बेसिक व्लॉगिंग के लिए आपके काम आने वाली हैं। अब बात करते हैं प्राइसिंग की, जो आज मैंने सामान परचेज कराया कि उसका प्राइस कितना पड़ा है। ये मुझे 6600 रुपये का पड़ा है, मतलब कि 6600 रुपीज़ का। ये बेसिक चीज़ है GoPro के लिए जो आपको लेनी ही पड़ेंगी अगर आप GoPro से व्लॉगिंग करने वाले हैं, और GoPro आपके पास कोई भी है उसका प्राइस बिल्कुल अलग रहता है और सबका प्राइस बिल्कुल ही अलग है। 7 मुझे नहीं लगता आपको मार्केट में कहीं मिलेगा, लेकिन इस टाइम पे जो GoPro 8 आ रहा है वो जब मैंने 7 परचेज करा था उसी रेट पे मिल रहा है। आज मैंने प्राइस पता करा था तो वो 27500 रुपये का मिल रहा था। अगर आप GoPro परचेज करना चाहते हो तो मार्केट में आप जाके कोई भी ले सकते हैं, लेकिन अगर बेसिक एसेसरीज की बात करें तो ये सारी चीज़ें तो आपको लेनी ही पड़ेंगी। मैं तो इनको लेकर आ गया और मेरा थोड़ा सा खर्चा भी हो गया। अब इन फ्यूचर जितने भी मेरे मोटो ब्लॉग आने वाले हैं, जिसमें कि मैं किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल को राइड करने वाला हूँ, साइकिल राइड करने वाला हूँ, जो भी इलेक्ट्रिक साइकिल वगैरह होती है, तो आपको मेरी जो वॉइस होती है बिल्कुल क्लियर सुनाई देगी। और दूसरा, बैटरी खराब थी, बैटरी मेरी आई गई है। यही थी एक छोटी सी अनबॉक्सिंग वीडियो जो मैंने सामान परचेज करा, और थोड़ी सी हेल्पफुल वीडियो जो बेसिक एसेसरीज आपकी व्लॉगिंग के काम आने वाली वो सारी चीजें मैंने आपको दिखाई यहाँ पे। अगर आपको ये वाली वीडियो मेरी थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वाली वीडियो को लाइक जरूर करना, और थोड़ी बहुत भी आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो या फिर और भी कोई चीज अगर आपकी छूट गई हो जो मैं ना बता पाया हूं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर आप मुझसे पूछ सकते हैं आप ही के लिए। बाकी अब इस वाली वीडियो करते हैं पर एंड। वीडियो करना लाइक और चैनल करना सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में फ्रेश कॉन्टेंट के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर।